मतलब कि मम्मी पापा के आने से पहले हमारे साथ क्या हो गया था, देखो ना। न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही 11 बजे से। तो आज सोनू ने कर रखी कॉलेज की छुट्टी। मत रो, कोई बात नहीं मारेगा कोई तुझे। तो यहाँ पे मैडम जी ने सवेरे सवेरे उठ के गाजर का हलवा बनाया है, जो की उबालने के लिए रखा हुआ था मेरे को लग रहा कब से, क्योंकि इतनी जल्दी तैयार भी हो गया। ये खुल नहीं रहा, यहाँ देख सकते हो आप, लजीज गाजर का हलवा जो की आइसक्रीम के डब्बे में रखा हुआ है साथ में। को मम्मी और खिलाएंगे। सुन तो, सन को नहला दे आज, है ना? धूप अच्छी निकली हुई है ना? कैसा लग रहा आपको काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल से फ्री होने वाली है सन्नो, अब मतलब आज तो मम्मी और आ जाएंगे तो कल से फ्री होगा कि कोई काम नहीं करेगी सन्नो। एक बात बहुत अच्छी, जब कोई नहीं होता ना घर में सन्नो सारा घर संभाल देती, सारा घर, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ घर में कोई नहीं है, सारा काम कर लेती है, इधर का अंदर का बाहर का सब कुछ। तो आज का कॉलेज भी नहीं। वैसे भी ध्रुव उठ गया, आप उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया। और आप सभी को मेरे और मेरे ध्रुवी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। ऐसे बोल, इस टाइम पे मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। पापा आएंगे जल्दी सब घर, है ना? स्माइल तो कर दे। मम्मी मार दे मेरे बेटे को, मेरे को चल हम चलते हैं। बाय गाइस, बाय बाय। मेरी नानी आने वाली आज, मैं अपनी नानी का वेट कर रहा हूँ। बाय कर दे, बाय। कुछ सामान मंगाया अभी, ऑनलाइन आया, सही टाइम पे आ गया बिल्कुल। दो ये मंगवाए थे ध्रुवी के लिए, और झंडे मंगवाए थे। हमारा तो बहुत बड़ा रोल है इसमें रिपब्लिक डे में, क्योंकि आपको पता है इसके पापा आर्मी में हैं, यू नो। वैसे सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, बट ये अब मैं सबको पहले ध्रुवी को दूंगी, ध्रुवी को पकड़ाऊंगी, बाकी सबको बाद में दूंगी, बच्चों के पास दूंगी, सबके पास। अच्छे लग रहे हैं ना ये देखो। ये तो होते रहेंगे, मैं फोन लगा देती हूँ चार्ज पे और नाश्ता करती हूँ सबसे पहले। तो नाश्ते में सनू ने बनाए हैं, यहाँ सब्जी, बहुत टैलेंटेड लड़की, यहाँ सब्जी बची हुई थी उसने सबके परांठे बना दिए। यहाँ देखो सब्जी बची हुई थी जो उसके परांठे बना दिए हैं। और चलो अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके मिलते हुए मैंने ध्रुवी को नहलाया धुलाया कुछ नहीं, आंटी उसको बाहर धूप में लेगी, मैं थोड़ी देर धूप से निकालो उसको, फिर नहलाऊंगी इसको, है ना? तो अभी पहले नाश्ता करती हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बैठे हुए यहाँ पे और बैठे हुए थे, और फिर सॉल वाले भैया आ गए। एक तो ये भैया डेली डेली आ जाते हैं, फिर खर्चा हो जाता है हमारा, है ना भैया? आपको मेरी भाषा समझ आ रही है? नहीं आ रही है? हिंदी समझ नहीं आती आपको? कौन सी भाषा में बोलो? नेपाली भाषा में बोलो। नेपाली तो नहीं आती? नेपाली नहीं आता हमको। बोलो यार भैया, भैया हेलो तो कर दो एक बार। हेलो, हाय, ठीक छो? हो गया? डरा रहा है कि तू बात कर रहा है? अरे डरा? हो गया? फिर करूँ? फिर से करो एक बार। हेलो, अपनी भाषा में बोलना एक बार कुछ। तो भाई कता बाट हो के करते हूं उनसे, कहां बाट फोन करे को? अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तुम कहां से बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, इसका मतलब ओके। तो भैया यहां पे सॉल लेके आ रखे हैं, भैया यहां पे सॉल खरीद रहे हैं अंडे, और देखते हैं कुछ पसंद आता कि नहीं आता, बाद में पता चलेगा।
तीन इनमें से ये वाली सॉरी, ये वाली पसंद आई आपको? नहीं अच्छी है ये, ठीक है। पहले वाली मेरे पकड़ो, और लड़की लेने गई है पैसे दूंगी तेरे को, ले पकड़। पायल की मम्मी ये दे देती है आजकल के रिवाज की, ये सुंदर लग रही है। आंटी को ये वाली सॉल दिलाई, ये वाली आपको सॉल पसंद आ रही थी पर भैया रेट नहीं लगा रहे थे। एक तो ये भैया फिक्स रेट वाले है ना, 250 से नीचे कुछ देते ही नहीं है। भैया तेज हो रहा बहुत ज्यादा है ना आंटी? बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, सब्जी में मसाला जाना भाजना उड़ी है, भाजना है भाजना है भाजे भी एडिया का तेल लगा ले। समझ आई आपको? नहीं आई आपको? हिंदी नहीं आती समझ उनकी भाषा? हिंदी नहीं आता है ना, समझ पूछो हमारी आने में गाड़ी दूंगी तेरे को। भैया को सब समझ आते हैं, ऐसे बने रहते चालाक बनते हैं ताकि जो रेट मैं बोलूं उसी पे खरीद ले सारे के सारे। बस 300-250 से नीचे के नहीं देने के भैया, याद रखेगा किस रिश्ता पड़ा पड़ा 200 इसके 300 उसके लिए 50 कम हो गया दीदी। $250 बाय, कल भी आना। हाँ बोल आना, बोल भोली रोज इधर ही आमला। हाँ निकली आमला तो खोलावली ताई थी बाई कर आवली और गई नहीं। हाँ कल भी एक के पुंदे झाड़ दियो, कल भी पुंदे झाड़ दिए 100 के। आपकी समझ आ गई पर कि रोज आऊंगा और खोल के लोगे एक नहीं है ना, सब कुछ बोला ना कहता है ना। हाँ। ये कुछ दीदी ये बड़े लोग एक डंडा कहाँ लेके जा रहे हो? जिसने रेड नहीं लगाया उसको मारना है। ये डंडा हमारा भैया, सवा शेर बना भैया, सवा शेर भैया सुनो तो, ये डंडी भी 100 की है हमारी ये। बोल दो भैया 100 की डंडी। बुढ़िया बुढ़िया दीदी, बुढ़िया 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 बुढ़िया, बाय भैया। जाके मंदिर आ गई और ध्रुवी सो चुका है। सनू ने अब मैगी बनाई है क्योंकि हमने 12-1 बजे के करीब में तो हमने नाश्ता किया था है ना, तो फिर दिन में हमने कुछ नहीं बनाया था, तो अभी 4 बजने को हो गए हैं तो हम मैगी खाएंगे और फिर उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। खाने में आज बनाएंगे वो क्या बोलते हैं पीली दाल बनाऊंगी, साथ में कटहल बनाऊंगी और साथ में रोटी वगैरह कुछ टाइम पे सीखेंगे, गरम गरम आटा वोटा गूंद के रख लेंगे है ना। तो मम्मी और 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे, अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे तो पहले अपना खाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। हमारे साथ मतलब कितना गंदा वो हो गया था रात को, क्या हुआ देखो। हाँ ये देखो ये ध्रुवी की प्लास्टिक की बोतल है उसके दूध पीने वाली, तो मैंने इसको रात को दूध पिलाया और हीटर ऑन था, मतलब वैसे तो रात को हम बंद कर देते हैं बट मैं हीटर बंद करती हूँ 12 बजे, मतलब लगा लो तुम 10 बजे हम सोते हैं जैसे, तो 12 बजे मैं हीटर 2 घंटे कमरा गर्म करने के लिए चलाती हूँ उसके बाद बंद कर देती हूँ है ना, 12 बजे तक भी नहीं रखती वैसे। पर मैंने क्या किया दूध पिलाया इसको और मैं इसको ना कीर्तन वगैरह भजन वगैरह सुनाने लगी, एक तरफ हो गया मेरा मुँह और मेरी आँख लग गई और मैंने क्या किया ये यहाँ से यहाँ पे रख दिया, वैसे तो मैं उठ गई थी थोड़ी देर में, तो मैंने क्या किया इसको हीटर के सामने रख दिया, हीटर मतलब टेबल पे रखा होता ना जहाँ पे, तो वहाँ पे रख दिया। तो ये ना थोड़ी देर में देख रही हूँ मैं स्मेल से आई, मैंने कहाँ से आ रही स्मेल, देखो ये ऐसा हो गया था यहाँ देखो भाई साहब, मतलब थोड़ी देर और हो जाता तो ये पूरा नीचे पिघलने लग गया था, तो इतना गंदा हो गया ये। और चल देखो टन टन मैंने ठीक कर दिया गई इसको अभी देखो। तो सवेरे सवेरे क्या क्या ब्लिंकिट से फटाफट मंगवाया ताकि मम्मी को पता ना चले, वैसे तो मम्मी को बाद में हम बता देंगे पर वो हो जाता, मैंने फोन पर नहीं बताया ना कि मम्मा को हो जाती परेशान हो जाती यहाँ के बताऊंगी, वैसे तो गुस्सा करेंगे मम्मा पर ध्यान नहीं रहता ना कहीं बात, इसलिए पता है हमें अपना ध्यान हर चीज के जिम्मेदार ना हम खुद ही होते वैसे, पर अपने चीजों का ध्यान हमें खुद रखना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है ना कई बार पता नहीं चलता, ये तो चलो नॉर्मल था कोई बात नहीं, बट कई बार छोटी छोटी चीजों पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। चलो मैगी बन चुकी है हमारी, हम मैगी खाते हैं। मम्मी पापा के आने से पहले हमारे साथ क्या हो गया था देखो ना, टच फूड की मेरा हाथ भी नहीं लगा इस पर, पता अगर थोड़ी देर और रहता ना ये, मैंने हीटर भी बंद कर दिया था उसके बाद भी गर्म इतना हो गया था, मतलब ये मैंने हीटर बंद कर दिया था उसके बाद ना जब ऐसे हाथ लगा ही नीचे गिरी बोतल, तो मैंने कहा क्या है यहाँ पे, तब जाके पता चला मतलब ये ऐसा कुछ है, पर अगर थोड़ी चिपक जाता ना मेरे हाथ में, मेरा हाथ नहीं चिपकना था। माय गॉड ऐसे कैसे काम हो जाते हैं। आ जाओ गाइस मैगी खाने आ जाओ, और अभी थोड़ी देर में मम्मी और आने वाला, और सरप्राइज पता क्या आज के ब्लॉग में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली कि मम्मी और के साथ कोई और भी आ रहा है गांव से, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वैसे तो आपको पता ही होगा कि कौन आने वाला है, बट मम्मी पापा और जितने लोग गए थे तो एक मेंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बाकी आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो हम फटाफट खाते हैं मैगी फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। और मैगी आटा मैगी बनाई हुई है, यहाँ आटा ही बनता है सब कुछ, नूडल्स भी आटे वाले, वो भी आटे वाला, सब आटे वाला। मैं चाय बना रही थी, मुझे अचानक चाय बनाते बनाते एक चीज याद आई
कि जैसे कि मुझे तो अदरक वाली चाय वैसे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। पहले चाय गर्मियों का टाइम है, थोड़े से मिल जाए पर ये हो गया अदरक डाल के मिल जाए, पर गांव में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई बार जिसने अदरक वगैरह लगा रखा है उसके लिए ठीक है, पर फिर गर्म हो जाता है ना ज्यादा गर्मियों में, पर मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन कई लोग होते हैं जैसे मेरी दादी सास भी है उनमें से एक, उनको ना अदरक वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अदरक कहीं डालो ही मत, चाहे चाय में हो चाहे कहीं भी कहीं मत डालो। जैसे मुझे खाने में तो मुझे अदरक पसंद नहीं, पर उसमें चाय में बहुत पसंद है। कि आप भी उनमें से एक हो कि आपको भी अदरक नहीं पसंद है चाय में। सनू को छुट्टी दे दी, सनू ध्रुवी के साथ यहाँ पे खेल रही है और मैं बना रही हूँ खाना, तो मैं जाती हूँ किचन में। और 5:30 तो वैसे भी हो चुके, तो सब्जी वब्जी काट लेते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता वैसे भी है ना कब हो जाता टाइम। सब्जी वब्जी मैंने सब बना दी है, सनू यहाँ पे रोटी बना रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो सैलेड काट के रखा हुआ है और यहाँ पे कटहल की सब्जी बना रखी मैंने सूखी, साथ में बन रखा है यहाँ पे दाल, और यहाँ पे दाल बन रखी इसमें, सॉरी चावल चढ़ा दिए, दाल इसमें निकाल दी है। तो सब खाना रेडी हो चुका है, बस घर वाले भी आ चुके हैं और घर वालों के साथ एक स्पेशल मेंबर भी आ रखा है। चलो दिखाती हूँ, वैसे ये ब्लॉग काफी लंबा हो गया, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नितिन के साथ, निशुर्वाद के साथ।